से गिर जाएगी। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे खेलना में वो बता दो। तो गाइस आज का स्पेशल गेम सिर्फ आपके लिए होने वाला, अगर आपका रिकॉल खराब हो जाता है तो उसके बाद आपको सीधा जोन के बाहर जाना है। जैसे कि मैं निकला जोन के बाहर, मुझे सिर्फ पोजीशन के लिए खेलना था, अभी मुझे पोजीशन निकालनी थी टॉप 10, उसके बाद टॉप 5 और उसके बाद पूरा चिकन के लिए। अब यहाँ पे आज के गेम प्ले के अंदर स्पेशल आपको दिखने वाला है कि कैसे मैं किल निकालता हूँ, कैसे मैं पोजीशन लेता हूँ, कैसे मैं पूरा चिकन निकालने वाला हूँ, वो आपको देखकर काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। और ऐसा एपिक मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा जिसको देखकर आपकी हंसी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर जरूर बन जाना। अब यहाँ पे चर्च पे मैं जा रहा था, हमने सोच लिया कि चर्च पे सीधा स्लाइमन डालेंगे, अगर बंदे होंगे तो फाइट लेंगे और फाइट लेकर पोजिशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सीधा आते हैं चर्च पे। अब यहाँ पे कोई बंदा वगैरह तो नहीं होता तो हमें पोजिशन मिल जाती है और पीछे की साइड फाइट होना स्टार्ट हो जाती है दो टीम की। फायरिंग के साउंड आई, यहाँ पे मैं रुका थोड़ी देर देखता हूँ, तभी मुझे एक सामने दिखता है मॉन्स्टर ट्रक सामने की साइड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं अग्रेसिव होना स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि जोन में पोजीशन थी, अभी हमें किल निकालना था, किल बटोरने थे। अब यहाँ पे आसपास काफी सारी टीम थी हमारे। अब यहाँ पे गाइस आपको देखकर सीखना है, मैं हर बार बोलता हूँ आपको देख के ज्यादा सीखना है, मैं जरूरी नहीं है आपको बोल के टिप्स एंड ट्रिक बताऊं। सामने की साइड बंदे हैं, देखते जाओ। अब यहाँ पे हम क्या टेक्टिक यूज करने वाले, सामने की साइड बंदे हैं घर के अंदर, वॉच आउट। अब यहाँ पे मैं कामयाब में मारने की सोचता हूँ और उससे पहले आसपास जितने भी बंदे हैं उनकी पोजीशन देख लेता हूँ कहाँ है। अब मैं प्रॉपर तरीके से मार नहीं पाता हूं तो यहां पे मैं हील मारता हूं, टीममेट को बोलता हूं कि तू मार मैं तुझे कवर देता हूं। और देखो टीममेट ने एक बंदे को टेकडाउन किया, सीधा यहां पे मारा हमने रश। टीममेट के पास पावर थी उड़ने वाली, मेरे पास नहीं थी। बंदा जैसे ही पिक करता है इसको मैं फिनिश करता हूं और यहां पे जाके हम थोड़ी प्रॉपर वाली लूट करते हैं। अब यहां पे आपको इसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू खेलना होगा, अगर आपका टीममेट रैंडम है तो वो आपका कहीं ना कहीं साथ नहीं देने वाला, इतना मैं पहले ही बोल देता हूं। अगर आपका टीममेट खुद का है तो आपकी कॉल को फॉलो करेगा तो आप इजी तरीके से अच्छा खासा सर्वाइव और अच्छा खासा प्लस निकाल सकते हो। पहले ट्राई करो टॉप 10 के लिए और उसके बाद करो टॉप 5 के लिए और उसके बाद करो सीधा चिकन पे फोकस। यहाँ पे टीममेट को रिवाइव करके फटाक से सीधा इधर की साइड आता हूँ। ऊपर टेरिस पे एक बंदा दिखता है, टीममेट को बोला कि बंदा है, लेट के स्प्रे मारता है। तभी देखिए सामने वाले बंदे ने देख लिया। अब टीममेट को बंदे ने गलत वाला नोक किया, मुझे नहीं पता उसको एंगल कहां से मिला टीममेट को मारने का, बट टीममेट को नोक कर दिया। यहां पे टीममेट को मैंने जल्दी से रिवाइव किया और यहां पे एंगल निकालता हूं इधर की साइड आकर। अब देखो यूएफओ जा रहा था सामने की साइड से, मुझे पता था ये बंदे स्प्रे मारेंगे इस पे। अब यूएफओ पे जैसे ही ये बंदे स्प्रे लेते हैं मैं एक बंदे को टेक डाउन करता हूं, टीममेट को बोलता हूं कि सीधा आ जा उड़ के और यहां पे मैं आता हूं। तभी मोली करता हूं, उससे पहले ही टीममेट यहां पे इस बंदे को फिनिश कर देता है। अब यहां पे आपने देखा हमारे मूव या फिर हमारा अग्रेसिव पन आपको दिख रहा होगा कि कितने जल्दी जल्दी हम फाइट लेने की ट्राई कर रहे हैं, किल निकालने की ट्राई कर रहे हैं। सामने गाड़ी दिखी, अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने टेकडाउन किया, गाड़ी के पीछे दूसरा बंदा है या नहीं उसका नहीं पता था, बट यहाँ पे मैं कामयाब मैं ट्राई करता हूँ उससे पहले। मारा तूने?
मेरा किल चोरी हो जाता है यहाँ पे, किसी और बंदे ने मेरे किल को चोरी कर लिया। अब पोचिंग के अंदर एज टू एज खेलना है, अगर लास्ट जोन बनता है तो, अगर आप सेंटर में रहोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। अगर लास्ट जोन पोचिंग के अंदर बनता है, बंदे अच्छे खासे अलाइव बचते हैं, तो आपको एज टू एज खेलने की ट्राई करनी है हमेशा। अगर सेंटर जाओगे तो सैंडविच हो जाओगे। डेंजर अहेड। अब यहाँ पे देखते जाओ क्या सीन होता है हमारे साथ। यहाँ पे मैं सामने की साइड बंदा देख रहा था, टीममेट भी इधर ही देखता है, देखते जाओ। मुझे M24 पड़ी, 10 HP में बचता हूँ, टीममेट यहाँ पे टेकडाउन हो चुका था, टीममेट को रिवाइव किया फटाक से हील मारी, जोन करता है, टीममेट को बोलता हूँ कि सामने की साइड जाना, अपने को एज पे जाना, सेंटर में बिल्कुल मत जाना, यहाँ पे आके मैं रुकता हूँ। अब सामने की साइड और राइट एंड पे बहुत गलत वाली फाइट हो रही थी। अब यहाँ पे मुझे इस वाली बिल्डिंग की टेरिस पे जाना था। अब राइट में फाइट चल रही थी, मुझे पता था कि ये बंदे जोन में आने वाले हैं। जैसे जोन कटेगा, अब यहाँ पे मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी मेरे सामने वाले घर पे मेरी नजर जाती है और वहां पे मुझे एक बंदा देखता है रेंगते हुए। अब यहाँ पे आपको वो एपिक सीन देखने को मिलने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसको देखकर मेरे टीममेट की तो हंसी का ठिकाना नहीं था, और मुझे पता है कि आपका भी वही रिएक्शन आने वाला, देखते जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे जोन कर चुका था, सामने वाले बंदे को मैंने डैमेज दिया, यहाँ पे सामने की साइड मुझे पोजीशन लेनी थी जोन में जाने के लिए, तभी देखो मैं यहाँ पे निकलने की ट्राई करता हूँ और देखते जाओ मेरे साथ क्या सीन होता है। मेरी पावर 200 वाली है। डेंजर अहेड। और देखो यहाँ पे क्या होता है। गाइस मैं सही बता रहा हूँ, जिस टाइम मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं इतना हंस रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या, और यहाँ पे मेरे कंट्रोल पे बिल्कुल भी मतलब दिमाग नहीं जा रहा था कि मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अपने आप को। यहाँ पे वापस आता हूँ हील मार के, और यहाँ पे आके जैसे रुकता हूँ तभी सामने की साइड से वॉल पे से एक बंदा नेड करता है। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई पोचिंग के अंदर लास्ट जोन में सेंटर मत खेलना, वरना सैंडविच हो जाओगे। और यहाँ पे कैंपर तो आपको अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे रुका, तभी मैं उड़ने की ट्राई करता हूँ, जैसे ही इधर आता हूँ ना भाई, लेफ्ट एंड पे मुझे एक बंदे का रेंगने का और ड्रिंक पीने का साउंड आता है। टीममेट ने अलग बंदा नॉक कर रखा सामने की साइड। अब ये भाई साहब निकलते हैं उड़ के सीधा टीममेट के एंगल पे। टीममेट ने सीधा इस बंदे को फिनिश किया। अब यहाँ पे सामने एक बंदा नॉक था, उसका लास्ट बंदा बचा हुआ था, टीममेट यहाँ पे टेरिस पे है, मैं इधर आता हूँ तभी। जैसे ही भाई सब सेक से बाहर निकल के आता, सीधा इस बंदे को फिनिश किया। गाइस कैसा लगा गेम प्ले मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताना। अगर ये वाली ट्रिक आप अप्लाई कर दो अपने गेम के अंदर लास्ट जोन में फाइट लेने के लिए, या फिर आपके पास किल नहीं है तो आपको कैसे खेलना है, ये वाली ट्रिक अप्लाई करो, पक्का मैं बता रहा हूँ आप अच्छे खासी पोजिशन चिकन नहीं तो टॉप टू टॉप थ्री आप इजी लेके निकलोगे, अच्छा खासा प्लस आपको मिल जाएगा। कल का गाइस गेम प्ले देखना बिल्कुल मत भूलना, अपन उसमें बताने वाले हैकर्स को मैं कैसे बैन करवाने वाला हूँ, और हर एक हैकर को अपन बैन करवाएंगे जो लीडर बोर्ड के अंदर है उनको भी, और आपके मैच के अंदर जो आते हैं कर उनको भी। मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या मैं प्रॉपर तरीके से कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और यहाँ पे मैं वैसे तो बनाने वाला हूँ, तो कल का वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो गाइस ये जरूर करते हो जाना।